फर्स्ट टाइम आज हम उधर जा रहे हैं, भाई लोग सारे साथ हैं। आज फुल हैवी डे, छुट्टी का दिन है भाई, तो देखते हैं आज के दिन और क्या क्या हम एक्टिविटीज करते हैं। एक मिनट, मिठू मिठू 75 यूरो का मिठू है। कश्मीरी चाहिए, कश्मीरी चाहिए। तू क्या पी रहा है? तू कावा पी रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ये है कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड असेशन डे मनाया जा रहा है, उसकी वजह से जर्मनी में भी छुट्टी का दिन है आज। और उस छुट्टी को मनाने के लिए आज हम निकले हैं कुछ बाहर। यहाँ पर हमने आज देखा था कि ड्रेसन में एक स्टीम इंजन है, हमने कहा जाकर देखते हैं नज़ारा कि वहाँ पर क्या रौनक है। तो आई हैव विथ मी उस्मान और ये भाई नए आए हैं पाकिस्तान से, एयरफोर्ट में डिग्री कर रहे हैं, और साथ हमारे उस्ताद जी यानी कि अवैस। आधा घंटा हो गया अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं स्टेशन पे, और इस स्टेशन का नाम है फ्राइटाल हैंसबर्ग। और यहाँ से तकरीबन अभी 5 से 10 मिनट का रास्ता है जहाँ पर स्टीम इंजन रन होता है, और वो जाकर आज देखने हैं। उसके बारे में बड़ा सुना है, वहाँ पर एक रिवर भी है और एक ट्रैक भी है हाइकिंग के लिए। तो हाइकिंग का ट्रैक भी है, तो टॉप पे जाएगा। वो ट्रेन है और इंजन जो है इसका वो पीछे वहाँ पर गैरेज में है। सीन ये हुआ कि हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। जो ट्रेन है उसका सफ़र जो है वो सुबह को शुरू होता है, और तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं इस पूरे ट्रैवल जर्नी में। तो आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इसका जो सफ़र है वो किसी और दिन हम करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया, और वो ये कि हमने जाना है अभी ज़ाक्सिशेश्वाइस, तो उसके लिए भी जाकर देखते हैं कि कौन सा रूट यहाँ से हमें पड़ेगा, और फिर वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं कि बस्ताई ब्रिज वहाँ पर के वहाँ से क्या नज़ारा आता है। एक बार पहले भी मैं गया हूँ, मजाक नहीं किया था, मसरूफ था, तो इसको भी आज जाके दिखाते हैं, रिहान भाई को भी दिखाते हैं। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, पहाड़ वगैरह सब कुछ। क्या लिया ये तूने? किससे पूछ के लिया? कश्मीरी चाहिए। तू क्या पी रहा है? तू कावा पी रहा है? टपियोका। क्या कहते हैं हमें ना, हमें टपियोका चाहिए। वो कहते हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा क्या चाहिए। भी ये सीन है कि हमने कहा कि कुछ और तो कर नहीं रहे, तो कम से कम आकर यहाँ से टेपियोका पी लें। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। अभी तक सीन सारे जो हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ नहीं मजेगी नहीं। हाँ जी, तुझे कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है या जबरदस्ती कैमरे का भी कर रहा है? मुबशर कुतर मजा आ रहा है। मैं बहुत तलाश है। अच्छा, पहले कभी ने कॉफी नहीं पी। मौजूद हैं ड्रेसडन के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे। आजकल जो है संडे बाजार लगी हुई है। ये फ्राई है। तो अभी ये थोड़ी सी मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हेलो, हाँ तो ये सीन है। और सामने ही फ्रंट की अर्शी है, ये ड्रेसडन की बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है, और इतवार बाजार तो ये लगी हुई है ना, वो मशहूर बिल्डिंग है, और वहाँ उस बिल्डिंग में आज तक हम कभी नहीं गए। और ड्रेसिंग में इतने म्यूजियम्स वगैरह वो भी हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो आज रिहान भाई की बदौलत हम भी आ गए आज फ्रंट के से। मेरी मेरी वजह। तो इनकी वजह से आज हम ये मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, और देखते हैं फ्रंट के से में क्या है, और उसके बाद आगे क्या सीन है। We'll be right back.
फ्रॉन्ट किर्चे, यानी कि हम इसको जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये औरतों का चर्च कहते हैं, जिसमें भी हम थे। अभी हम करंटली मौजूद हैं ब्रूवल्स टेरेस पे, जो कि मिस्टाक की फेवरेट प्लेस है, और इसका तकरीबन रोज वो जर्मन और ड्रेसन की इंतजामिया सोच रही है कि इसका नाम भालू टेरेस किया जाए, क्योंकि मिस्टाक का आना जाना यहाँ पर बहुत होता है और आजकल अवैस भी आ रहा है। तो इस तरीके का सीन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ से क्या सीन नज़र आ रहा है। तो अभी ब्रूल्स टेरेस के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो है सामने बिल्कुल स्विंगर पैलेस, और ये भी ड्रेसडन की एक मुनफरिद और एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और जर्मनी का जो ड्रेसडन शहर है ये ज़ाक्सनी स्टेट में आता है और इसकी एक हिस्टोरिकल बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर जितने भी हिस्ट्री से लव करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो इसकी बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है। तो अभी स्विंगर पैलेस जाते हैं और जाकर देखते हैं कि अंदर से किस तरीके का सीन है। तो अभी यहाँ पर ये सीन है कि हम आए थे स्विंगर पैलेस और ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैलेस है। पर अवैस याद है यहाँ पर अकबर बादशाह कौन सा था? ये वाला था, ये वाला था अकबर बादशाह ने घोड़े दौड़ाए जो घोड़े दौड़ाए हैं सारी मिट्टी खराब हो गई। अब इसको कंस्ट्रक्शन हो रही है दोबारा इस जगह की, और उसके बाद दोबारा घास यहाँ पे लगेगा, दोबारा घोड़े आएंगे और दोबारा ये आबाद होगी जगह। और ये भी कह रही है वाकई ऐसे ही होना है। तो अभी स्विंगर पैलेस वगैरह हमने देखा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था, और उसके बाद भूख भी काफ़ी लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घूम फिर रहे हैं और अभी थक गए थे। तो हमने सोचा है कि कुछ आज जाकर कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं, और आज जो नई चीज़ हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है समोसा चाट। ऐसे ओल्ड इज गोल्ड। और उस्मान ने पहले की ट्राई की हुई है तो इसको जगह का पता है, और आज भी हमें लेके जा रहा है। तो अभी चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। हाँ मिज़ाक कैसा टेस्ट है फिर? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नंबर वन हाँ जी, नंबर टू समोसे इज फैंटास्टिक, इट्स अमेजिंग। अब ये भी बनता है क्योंकि उससे जो है गुजारा नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी भूख रहती थी हमें मेरे जैसे बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं था। तो अभी इन पे भी कुछ हाथ सीधा करते हैं और फिर देखते हैं, एक आपको इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं। सारे अभी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। तो सीन ये है कि अभी खा भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट फुल हो गया है। समोसे खाए पहले, उससे ज़रा थोड़ी सी भूख रहती थी, मिजाज भी माशाल्लाह थोड़े से फैटी भी हैं, तो फिर हमने ब्रोचन वगैरह तो फिर ब्रोचन वगैरह भी खाई। और अभी निकले हम कुछ और जगह के लिए थे, पहुंचे हम कहीं और, खाना पीना मतलब सब कुछ अजीब सा ही कुछ व्लॉग में बन गया है मिक्स टाइप। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मेरे बाल बताए मैं करवा लूं नहीं। आज हम आए हैं साल हो गया, पापा हो गया।